विकास गुप्ता आजकल बिग बॉस में हैं और बहुत चर्चा हो रही है बिग बॉस में जाने के बाद। उनके भाई जो सिद्धार्थ गुप्ता हैं वो इस वक्त मेरे साथ हैं, उन्हीं से जानना चाहेंगे। सिद्धार्थ, हमने सुना है कि विकास गुप्ता जब बिग बॉस में गए उसके पीछे उसकी वजह आप थे। आपने अपने भाई को फोर्स किया या रिक्वेस्ट की, कुछ बताएंगे कि आपने क्यों कहा उन्हें कि बिग बॉस हाउस में जाने के लिए? उनको मनाया बिग बॉस में जाने के लिए, उन्होंने हमारे साथ शेयर करा कि एंडमॉल चाहता है, कलर्स चाहता है कि वो बिग बॉस के पार्ट बने। और मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं बहुत बड़ा फ़ैन था बिग बॉस शो का, और बिकॉज़ मैं जब बाहर भी रह रहा था, मैं स्टडीज़ कर रहा था, तो ऑन एन इंटरनेशनल लेवल बहुत देखा जाता है शो। तो मुझे लगा था कि उसने इतना हार्ड वर्क करा है पूरी अपनी लाइफ और इतना कुछ अचीव कर लिया है, ये एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट है, कुछ डिफरेंट करने को मिलेगा, 3 महीने का ब्रेक मिलेगा, एक तरीके से आपको एज अ ह्यूमन बीइंग वो काफ़ी चेंज करेगा या फिर कुछ सिखा देगा, बिकॉज एक टेस्ट ही है ये आपके लिए लाइफ का। सो इस वजह से मैंने उसको कन्विंस किया। तो बहुत जल्दी कन्विंस हो गए जाने के लिए या मनाना पड़ा बहुत? इनफैक्ट उनको मतलब एक फाइनेंशियल लॉस भी होता है, बिकॉज आप एज अ प्रोड्यूसर आप अपने शोज़ को छोड़ के 3 महीने के लिए अपना काम को छोड़ के जाते हो, बट मुझे लगा कि ये वर्थ रहेगा और वो मने नहीं पहले, बट फिर मैंने, मेरे फ्रेंड्स ने, हमने बोला यू शुड गो, एक एक्सपीरियंस है। मुझे पता है काफ़ी कुछ प्रॉब्लम चल रही है अंदर, बट इवेंचुअली ही इज़ बिकम अ हीरो, पीपल बहुत सिंपथाइज कर रहे हैं उनके साथ, पहले कैप्टन भी है घर के, तो एक तरीके से वो पूरा होता दिख रहा है। इस बार बिग बॉस में पहले की तरह भी, पहले भी काफ़ी विवाद होते रहे हैं, लड़ाई झगड़े होते रहे हैं, तो इस बार भी काफ़ी झगड़े हो रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे रोज़ विकास को लेकर, विकास और शिल्पा शिंदे में भी काफ़ी कुछ चल रहा है, तो उसको किस तरह से लेते हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्योंकि वो एक शो में काम कर रहे थे और तभी वो एक प्रोग्रामिंग हेड थे एक चैनल के, तो बहुत दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया और उसी की चर्चा हो रही है। अगर आप इसी बारे में बात करना चाहते हैं, मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, विकास चैनल हेड थे, वो प्रोड्यूसर नहीं था उस शो के। तो चैनल हेड जो होते हैं वो बहुत सारे शोज़ को हैंडल कर रहे होते हैं, उनमें से एक सबसे फेमस शो जो उस चैनल का था वो था भाभी जी घर पे, और उसमें शिल्पा शिंदे काम कर रही थी। शिल्पा की प्रॉब्लम्स प्रोडक्शन हाउस के साथ ज़्यादा थी, विकास के साथ इतनी नहीं थी, बट ऑब्वियसली प्रोडक्शन हाउस चैनल को बोलता है और चैनल विकास थे उस समय, तो ऑब्वियसली ऑन द बेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कुछ पर्सनल विंडाटा नहीं था उनका उनके अगेंस्ट, उन्होंने उनको बोला, ऑप्शन दिया, एंड शिल्पा ऑप्टेड आउट, ही नेवर फायर्ड इफ़ यू सी, बिकॉज आप कॉन्ट्रैक्ट इधर आप फॉलो करें या फिर आप छोड़ें, तो एक उन्होंने कोई पर्सनल अपना वो नहीं करा है पूरा, बट इसको इतना ओवर एग्जैजरेट करके फॉर द इन द नेम ऑफ कंटेंट जो चाहिए उसको, शो को क्या चाहिए, बट उन्होंने उसको बहुत बढ़ा दिया मेरे हिसाब से, बहुत डर्टी चले गए हैं लोग अंदर, एंड आई दे हैव बीन टाइम्स वैन आई रियली रिग्रेटेड सेंडिंग हिम देयर, एंड आई बीन रियली सैड, हमारे घर वाले बहुत दुखी थे, बट अभी क्या करें। काफ़ी ब्रेकडाउन मोमेंट्स भी दिख रहे हैं, काफ़ी रोते हुए भी नज़र आ रहे लोग ब्रेकडाउन कर गए देखते हुए, और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था देखने का, हम बहुत दुखी हो रहे थे जब जो चल रहा था घर के अंदर, हमें मुझे ये ऐसा ज़्यादा गिल्ट ट्रिप इसलिए थी क्योंकि मैंने कन्विंस किया था और मुझे लग रहा था कि मैं उनको इसके थ्रू नहीं डालना चाहिए था, बट अब हो गया, बट अभी आई एम फीलिंग बेटर क्योंकि अब वो कैप्टन बन गए हैं, थोड़ा बेटर कर रहे हैं घर में, और ही इज अ स्ट्रांग मैन, ही इज कम अप अगेन। बस जाते जाते आखिरी सवाल कि अगर इस वक्त अगर आपको विकास गुप्ता सुन सकते हैं, अगर बिग बॉस में अगर कुछ सलाह देना चाहेंगे, अगर वो आपको सुन सकते हैं, तो कि किस तरह से वो गेम खेलें, किस तरह से लोगों को हैंडल करें, किस तरह से लड़ाई झगड़े कम हो, इतने अग्रेसिव ना हो जाएं, वो ब्रेकडाउन मोमेंट्स ना आए। बट मुझे ऐसा लगता है, देखो अगर मैं ये बोलूंगा जो सब लोग कह रहे हैं कि डोंट रिएक्ट, मेरे ख्याल से फिर वो विकास गुप्ता नहीं रहेंगे, आप बिल्कुल जैसे आप रह रहे हैं वहाँ पर वैसे रहिए, आप रिएक्ट कम करें, बिकॉज ये आपके मतलब जो कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो आपके लेवल के नहीं, आप उतनी एनर्जी उन पर वेस्ट ना करें और उसको दिल पर ना लें, वो जो बोल रहे हैं वो बोलने दीजिए उन्हें, ये एक गेम है, ये आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है, तो आप रिएक्ट इतना ना करें, जहां आपको लगता है किसी को एक्सपोज करना है, किसी के डबल स्टैंडर्ड दिखाना है, तो जरूर दिखाइए, वो ऑडियंस को पसंद आता है। अच्छा, एबीपी न्यूज से खास बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बिग बॉस के कंटेस्टेंट विकास गुप्ता के भाई सिद्धार्थ गुप्ता, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे उन्होंने ही कोक्स किया था विकास गुप्ता को बिग बॉस में जाने के लिए, और जब बिग बॉस शुरू हो चुका है तो किस तरह से वो ये शो देख रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वक्त विकास गुप्ता को। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।